गाइस, आपने बहुत पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स लॉन्च कर सकता है। बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी बनाए, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे जिसमें इमेजेस बताते थे। बट अभी ऑफिशियली प्रूव हो गया है कि रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स ला रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको लीक्ड इमेजेस बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा सेट टॉप बॉक्स की। तो ये वीडियो देखते रहिए। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सेट टॉक। जैसा कि आपको पता है, हमारे इंडिया में अभी बहुत सारी कंपनी है जो सेट टॉप बॉक्स या डायरेक्ट टू होम, जिसको हम DTH बोलते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे है टाटा स्काई, वीडियोकॉन D2H, एयरटेल, बिग टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट। इसी चक्कर में अब रिलायंस जो भी आ रहा है, कूद रहा है DTH वाले सेक्टर में, और ये इमेजेस निकल के सामने आई हैं। इस तरह का जो DTH है वो आपको दिखेगा रिलायंस जियो का। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो सामने साइड आपको एक USB पोर्ट दिया गया है। इस USB पोर्ट में आप डायरेक्टली आपकी पेन ड्राइव अटैच करके सॉन्ग्स या फिर जो भी मूवीज़ हैं डायरेक्टली आप स्ट्रीम कर सकते हैं आपके TV में। इसकी बैक साइड हम देखें तो सिंपल HDMI पोर्ट हमको मिल जाएगा, उसके साथ ऑडियो वीडियो का जो पोर्ट है वो मिलेगा, उसके साथ इसमें ईथरनेट और USB पोर्ट दिया गया है। ईथरनेट RJ45 वही पोर्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर में हम अटैच करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो हम इसमें डायरेक्टली इंटरनेट का वायर कनेक्ट करके हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। मे बी हॉटस्टार या JioTV या और नेटफ्लिक्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलायंस जियो, तो उसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर। इसके साथ हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है नॉट फॉर रिटेल सेल। अभी सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज पे चल रही हैं, तो जिस तरह आपको याद होगा रिलायंस जियो जब आया था तब उसने फ्री चीज़ें देके अपने आप को फेमस किया था, इसी तरह इसमें 3 से 6 महीने आपको फ्री TV मिल जाएगी जब भी ये लॉन्च होगा। इसका हम वेट देखें तो 755 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चर जो हुआ है ये हुआ है मेड इन इंडोनेशिया में, तो अच्छी बात है। चलिए, अब जिस तरह रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आके सारे जो दूसरे बड़े बड़ी कंपनीज थी उनके पैक्स हमको कम करके दिए, इसी तरह अब अच्छी बात है अगर रिलायंस जियो सेट टॉप बॉक्स वाली इंडस्ट्री में आता है तो कहीं ना कहीं अगर हम 300, 400 या 500 रुपये देते हैं 300 चैनल्स के, तो मे बी 300 चैनल आपको और कम रेट में मिल जाए, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन अब DTH सेक्टर में भी बढ़ेगा रिलायंस जियो के आने से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों में रिलायंस जियो सिर्फ मोबाइल पे ही नहीं, टेलीकॉम के हर एक सेक्टर पे अपना राज करेगा। सेट टॉप बॉक्स पे कर रहा है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ला रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को डिजिटाइज बनाने में रिलायंस जियो का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं आपको वीडियो देता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।